दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी के लेके आऊं ये 2 डबल 15 के टॉप, साथ ही साथ ये है भाई डायनामाइट के 21 इंच की बेस। और ये बेस भाई सबसे तगड़ी वाली बेस होने वाली है, और सबसे तगड़ी से मेरा मतलब कि यहाँ पे इससे ऊपर कोई बेस नहीं है 21 इंच के अंदर। साथ ही साथ हम यहाँ पे एम्पलीफायर भी जो है बहुत तगड़ा देने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पे, जो कि हमारा जायफर का DS10, और ऊपर हमने टॉप के लिए लग रखा है कूल M6, और मज़ा बहुत आएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ सिस्टम में हम दे क्या कह रहे हैं, यानी सेटअप में हम क्या क्या दे रहे हैं। और मेरा हमेशा से रहता है कि भाई ये सेटअप के अंदर या कोई भी मैं सेटअप लेके आऊँ वो ज़्यादा डिफरेंस हो, पिछले वाले से कुछ अलग हो। तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए 2 डबल 15 के टॉप हैं। अब इन टॉप में जो है बेसिकली टॉप में क्या, ये टॉप हो गया, ये बेस हो गया, सभी में यहाँ पे आपको जो है वो डायनामाइट के स्पीकर देखने को मिलता है। डायनामाइट का ही पूरा मैंने कंप्लीट दिया है। और यहाँ पे इन टॉप के अंदर भी जो है वो दोस्तों 1000 वाट का स्पीकर है डायनामाइट का, 1000+1000 हो जाता है। साथ ही साथ हमने डायनामाइट का HF भी दे रखा है, जो कि यहाँ पे आपको 110 वाट का जो है वो HF देखने को मिलता है। और ओवरऑल 1000 यहाँ पे, और हमारा जो है वो 110 वाट का HF है। सनी सिंह की हमने यहाँ पे नेटो बोर्ड लगा रखी है। क्वालिटी अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो आप यहाँ पे क्वालिटी देख लीजिए। ग्रिल यहाँ पे पूरा इंपोर्टेड है, पेज भी सारे इंपोर्टेड यूज़ करे गए हैं, कुछ भी इसके अंदर इंडियन पार्ट जो है वो नहीं लगाया भाई। और हर एक चीज़ का फिनिशिंग देख लीजिए, ग्रिल के पूरे ऊपर से देख लीजिए लुक जो है वो आ रही है, किस तरीके से आ रही है। इस स्टिकर के पीछे आप सभी को मालूम है क्या चीज़ मैं देने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैं पेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप ये पेंट देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है सेंटेक्स पेंट। बेसिकली जब भी आप यहाँ इस दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं या फिर मेरे पास से लेते हैं, तो होता क्या है कि ये जो सेंटेक्स पेंट होता है इसके ऊपर एक टॉप कोट और करा जाता है। जब फाइनल हो जाता है टॉप, तो टॉप के फाइनल होने या डिलीवरी देने से पहले, आपके हैंडओवर करने से पहले, हम जो है वो यहाँ पे एक टॉप कोट करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा आपको मैट मैट सा और इस फिनिश का जो है वो देखने को आपको मिलता है। और पीछे बैक प्लेट पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाता है, ये ड्यूल स्पीकर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर ये लगा रखा है, ठीक है ना। तो बैक प्लेट भी गहरी वाली हमने लगा रखी है। ओवरऑल ये पूरा ओरिजिनल साइज़ है और 4 फीट का होता है। गहराई जो होती है वो इसकी 21 इंची होती है। नॉर्मल अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 20 इंची आपको देखने को मिलता है, हम यहाँ पे प्रॉपर पूरी 21 इंच की दे रही हैं। इंपॉर्टेड जाली भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, और आप सभी को मालूम है भाई क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। प्लस इसके अंदर जो लगने वाली प्लाई भी है, प्लाई भी मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। प्लाई भी हमारी खुद की जो है वो यहाँ पे कस्टम मेड प्लाई होती है, हम मार्केट के प्लाई यूज़ नहीं करते। तो ऐसे 2 टॉप आपको मिलते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ तो यहाँ पे हमने 2 डबल 21 इंच के बेस दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए डायनामाइट ऑडियो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली जो बेस है ये पूरी यहाँ पे कंपनी से फिट होकर आती है। अभी मैं आपको अगर बेस की क्वालिटी की बात करूँ, पहले इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये कैसे आती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो बेस की पैकिंग हो जाती है। मोस्टली यही होगा कि जब भी आप डिलीवरी लें या फिर होम डिलीवरी पे भी मंगाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस तरीके की जो है पैकिंग करके दें। इससे होता क्या कि सेफ्टी रहती है। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कि हमने यहाँ पे 2 बेस खोली हैं वो इस क्रेट पैकिंग में होके आती हैं, ये पूरी वुडन होती है, तो कहीं पर भी एक स्क्रैच या कहीं पर भी एक पेज खराब नहीं होता, सनस्टी रहती है पूरी, कि आप तक वो मटेरियल जैसा हमने यहाँ से दिया वही मटेरियल आप तक बिल्कुल सेम एज इट इज़ और सेफली पहुँचे। तो इसलिए हम जो है वो क्रेट पैकिंग यहाँ पे कराते हैं। अभी चलते हैं बेस की, मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो बेस की डिटेल में सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रिल देख लीजिए। ग्रिल अगेन यहाँ पे 16 गेज से ज़्यादा मुझे लग रहा भाई, ये 14 गेज है। अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग बोलूँ तो ये आपको बोलेंगे 14 गेज है, बट एक्चुअल में गेज का अगर हम कैलकुलेशन करें ऑन वर्नियर तो यहाँ पे ये 14 गेज निकल के आएगा। और अगेन यहाँ पे बोल्ट्स भी आप देख लीजिए, सारे यहाँ पे हाई क्वालिटी के बोल्ट्स भी लगाए गए हैं। ये मैट फिनिश हो जाता है, इसको हम इलेक्ट्रो चार्ज पेंट कहते हैं। और इसके अंदर जो फॉर्म भी लगा रखी है ना, वो फॉर्म डिफरेंस होती है, ताकि जो प्रेशर हो वो सीधा पूरा यहाँ से बाहर आ जाए। और यहाँ पे आप पहले इसको इसकी गहराई देख लीजिए, ये गहराई भाई बहुत लंबी है। अगेन आपको मार्केट में तो इतनी ही बस गहराई वाली ये ऐसी बेस देखने को मिलती है, उनका फ्रंट देखने को मिलता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या लगा, रबड़ के फुट्स हो जाते हैं। ये बेसिकली प्लास्टिक है तो ये रबड़ हम नहीं कह सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, ना गलते हैं ना घिसते हैं, तो इस तरीके से रखा गया। और रबड़ के जगह पर अगर आप प्लास्टिक लगा रहे हैं तो होता क्या है कि अगर आप इसको इधर उधर करते हैं ना, सड़काते हैं, तो बहुत ईजिली हो जाता है। प्लास्टिक से ईजिली मतलब चिकना होता है, तो ईजिली जो है वो यहाँ पर स्लिप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये लगा रखें। 4 इस साइड हैं, 4 आपको उस साइड भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर देख लीजिए ग्रूव्स बना रखे हैं, क्योंकि यही वाले जो है वो पैडल्स जो है वो नीचे भी लगा रखे हैं, तो यहाँ पे फंस जाए। बेस अगेन बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा लाउड बजती है, वाइब्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से जो कंपनी ने रखा है। स्पीकर आप देख लीजिए, ये ड्यूल स्पीकर हो जाता है।
और यहाँ पे अगेन हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इसमें कनेक्शन करें तो ये 4 square mm वायर का जो है वो यूज़ करें। मैं एक बार ये वायर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये 4 square mm है। तो हमने भी यहाँ पे 4 square mm का जो है वायर लगाया। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप इस बेस में कनेक्शन करो, या मैं जो एम्पलीफायर दे रहा हूँ या ये वायर्स में जो दे रहा हूँ, अगर आप बेस भी मंगाते हैं या सिर्फ एम्पलीफायर भी मंगाते हैं, तो इनके साथ में आप 4 square mm वायर का इस्तेमाल ज़रूर करना। तो ये ऐसे आपको 2 बेस मिलती है। अभी यहाँ पे अगर मैं पेंट की बात करूँ तो इसमें मीना वाला पेंट इसलिए करा गया है क्योंकि भाई ये है बहुत ज़्यादा हैवी, हैवी से यहाँ पे जो सेंटेक्स पेंट होता है वो इस पर हम देते ही नहीं हैं इसलिए, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो यहाँ पे टॉप लाइनरे और मॉनिटर्स में अच्छी होती है, लेकिन जब बेस की बात होती है तो इसमें जो बॉन्डिंग आपको पेंट की मीना वाले पेंट में मिलेगी वो उसमें नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसके अंदर ये देते हैं। वाटरप्रूफ पेंट है, प्लाई भी जो है वो कस्टम मेड से बनाई गई है। 4 हैंडल मिलते हैं, 2 अगेन यहाँ पे है, 2 अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये हो जाती हैं हमारी 2 बेस। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो इसके अंदर हमने जो है स्पीकर भी, मैं आपको एक बार ये ज़रूर दिखाऊंगा कि स्पीकर हम कौन सा यूज़ करें। चलिए स्पीकर भी देख लीजिए। ये वो दोस्तों स्पीकर जो कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हमने बेस के अंदर इस्तेमाल में ले रखा है, और ये है बेसिकली डायनामाइट की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर रेटिंग्स भी जो है मेंशन करी गई है, 2200 वाट। इसका इम्पीडेंस बेसिकली 4 ओम्स है, ये 4 ओम्स वाला मॉडल है। अभी तक आप नॉर्मली जो है वो देखते थे यहाँ पे कि आपको 8 ओम्स के स्पीकर मिलते थे। मॉडल नंबर अगेन यहाँ पे मेंशन है DM21-2L4। 4 का मतलब ये 4 इम्पीडेंस है और 2 लेयर के अंदर आता है। स्पीकर का थोड़ा सा क्लोज लुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है इसका पेपर कोन का क्वालिटी। पेपर कोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश्ड की यहाँ पे लगा रखी है, और मतलब लगता है भाई स्पीकर जब भी आप हाथ में पकड़ते हैं ना तो कुछ प्रीमियम सा यहाँ पे फील आता है। पीछे अगर मैं टी ऑक की बात करूँ, इसकी मोटर की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो इसकी मोटर आपको देखने को मिलती है। अभी यहाँ पे जो चेंज है, जो अपग्रेडेशन है अभी के स्पीकर्स में डायनामाइट के, तो वो ये है। एक तो टी ऑक में आप देखेंगे, पहले तो आपको यहाँ पे पाउडर कोटेड टी ऑक देखने को मिलता था जो कि ब्लैक कलर में आता था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे सिंपल सादा रखा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हैवी लुक भी है, और मैं कहूँगा भाई पावर भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, 2200 वाट कर दी गई है, पहले 2000 पावर हुआ करती है। और अगेन ये है भाई स्पीकर जो कि हम अपनी बेस में यूज़ में ले रहे हैं, और पीछे आप अभी स्टॉक भी दे सकते हैं। फिलहाल में मैं भी आपको लेके चलता हूँ बेस की तरफ, और भी डिटेल्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको स्पीकर दिखाया कि हाँ स्पीकर हम इस प्रकार का जो है यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको 2 बेस मिलती हैं, 4400+4400 वाट की बेस हो जाती हैं। अभी अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूँ, इसके अंदर एम्पलीफायर हम कौन सा दे रहे हैं, कैसा कॉम्बिनेशन बनाया है, क्या DSP है, क्या मिक्सर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ हमारे एम्पलीफायर के लिए, तो एम्पलीफायर में अगेन हमेशा से मेरी फर्स्ट चॉइस या फिर क्वालिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ज़ाइफर ही रहता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइफ़ालप्स का डबस्पेटर 10, ये 10 मॉडल है, और ज़ाइफर का सबसे टॉप मॉडल या फिर सबसे भारी मॉडल यही एक आता है। और इस एम्पलीफायर की खासियत ये है कि ये 2 ओम्स पे वर्क करता है, स्पेशली डिजाइन करा गया है 2 ओम्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्पीकर आपको दिखाया कि हमारा स्पीकर एक स्पीकर है 4 ओम्स का, उन दोनों को अगर आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 ओम्स, और 2 ओम्स पे ये दोस्तों एम्पलीफायर निकलता है 5500 वाट, और 4400+5500 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको एक्स्ट्रा हेडरूम मिल रहा है। एक्स्ट्रा हेडरूम का फ़ायदा यहाँ पे यही है कि बेस और खुल के बसता है, हमें ज़्यादा क्लिप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेस का परफॉर्मेंस अगेन नेक्स्ट लेवल आपको जो है वो देखने को मिलेगा। एक चैनल पे आपको एक बेस देखने को मिलती है, दूसरे चैनल पे आपकी दूसरी बेस आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक एम्पलीफायर हो जाता है हमारे 2 बेस के लिए। अभी जो कि टॉप का एम्पलीफायर है, टॉप में हमने यहाँ पे अभी फिलहाल में कूल एम 6 लगा रखा है। कूल एम 6 मेरे हिसाब से इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं भाई हमें कूल एम 5 पे चलाना है, तो कूल एम 5 पे भी जो है वो रन कर सकते हैं, अगर आप ये 2 टॉप रन करना चाहो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इस बेस के साथ में 4 टॉप चाहिए, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कूल एम 7 सजेस्ट करूँगा। कूल एम 7 पे हमारे ये 4 टॉप जो है वो ईजिली चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है कूल एम 6, और यहाँ पे ये 2 चैनल हैं, एक चैनल पे हमने 1 टॉप डाला हुआ है, एक चैनल पे हमने 1 टॉप डाला हुआ है। साथ ही साथ इसके लिए अभी यहाँ पे जो कि ये तो सारी चीज़ होती है एम्पलीफायर, लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ये DSP। भाई ये है वो DSP, ये है स्टोन वाटर का DC48 स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपको 4 इन और 8 आउटपुट के जो वो ऑप्शन मिलते हैं। इसके अंदर आपको लिमिटर्स और यहाँ पे सारे PQ EQ सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। प्रीसेट्स आप इसके अंदर काफ़ी सारे स्टोर कर सकते हो, लॉक अनलॉक के सारे फीचर मिलते हैं। USB कंट्रोल आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि इसके अंदर हमने कैसे जो है वो सेटिंग करी हुई है। और इसके अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ, जो अभी हम यहाँ पे फिलहाल में चला रहे हैं, या फिर मेरे हिसाब से जो सजेशन में है कि हाँ आप इस हिसाब से जो सेटिंग करके चलाइए, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं पीछे लाता हूँ एक बारी, तो
तो यहाँ पे जो सेटिंग है बेसिकली अभी ये मिक्सर है, अभी मिक्सर के अंदर जो सजेशन है वो डायनाटेक का DDG3 है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं दिखा दूंगा। दो आउटपुट हमारे मिक्सर से यहाँ से गई है, ये हमारे क्रॉसओवर के 1A यानी A और B में इनपुट हुआ है। अगर मैं बेस के लिए आउटपुट की बात करूँ तो हमने सिंपल अभी बेस के लिए आउटपुट दे रखा है। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे जो टॉप है टॉप के लिए भी इसमें से आउटपुट चाहिए, या अगर आपके पास लाइनरे है, क्योंकि आपको 8 आउटपुट मिल जाते हैं, बेस तो हमारी हमारे सिर्फ एक ही इनपुट की हमको ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक इनपुट निकाल के हमारे जो है वो बेस के एम्पलीफायर में इन कर दिया है, और नीचे से हमने सीधे पैलरी इसको पैच यहाँ पे कर दिया। बेसिकली आप दो भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो डालिए और दो सीधे यहाँ पे आप XLR डाल दीजिए, ये भी इजी रहेगा। और अभी जो एम्पलीफायर है हमारा जो टॉप का है, टॉप को बेसिकली मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ, तो यहाँ से हमने ये दो वायर जो है निकाल के यहाँ सीधे हमने टॉप के एम्पलीफायर में जो है वो डाला हुआ है। स्पीकर आप देख लीजिए, ये एक हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है, और ये बेस के हमारे दो स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अंदर भी आपको चार का ऑप्शन मिलता है, चार स्पीकर का मिलता है। मिक्सर की अगर मैं बात करूँ तो मिक्सर में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कंट्रोलर भी है, मिक्सर्स भी हैं। अभी जो मैंने फिलहाल में यहाँ पे लगा रखा है DDG3 लगा रखा है। कॉस्टिंग अगर बजट के अंदर चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास DDG6 भी है, साथ ही साथ ये पाइनर का FLX4 आ जाता है, यहाँ पे ये भी है। और अगर आपको यहाँ पे एक मिक्स कॉम्बिनेशन चाहिए कि हमको माइक भी थोड़ा बहुत काम करना होता है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए यामा के काफ़ी सारे हमारे पास मॉडल जो है वो अवेलेबल रहेंगे। आप यहाँ पे मिक्सर जो है वो अपने पसंद के हिसाब से जो है वो यूज़ में ले सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक वायर भी आपको ये सारे इंक्लूड्स मिलेंगे, तो ये वायर्स भी आपको सारी मैं दूंगा, क्योंकि ये 4 स्क्वायर में हम ईजिली मार्केट में मिलती नहीं है, ये हम बना के आपको देंगे, टॉप के लिए भी देंगे। तो ये पूरे सेटअप की एक बार टेस्टिंग आप देख लीजिए कैसी रहने वाली है। We'll be right back.
तो कैसे लेके डस्टिंग हूँ, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस सेटअप का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी यहाँ पे इस सेटअप के अंदर मैंने जैसे कि बताया कि हमको दो टॉप और दो बेस मिल जाती हैं, दोनों ही 21 इंच है, डायनामाइट ब्रांड की है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ कस्टमाइजेशन करवाना अपनी बेस टॉप के अंदर या कुछ और डिफरेंट भी चाहिए तो हमारे पास जो अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने मिक्सर में बताया कि आपको 3-4 जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ, यहाँ पे 2 15 के टॉप हैं इसके अंदर, जिसमें आपको 1000+ 1000 वाट का स्पीकर देखने को मिलता है डायनामाइट का। HF भी हमने यहाँ पे डायनामाइट का जो है वो दिया हुआ है, 110 वाट का जो है वो HF इसके अंदर इस्तेमाल में ले रखा है। यहाँ पे बेस में जो है वो 2200+2200 वाट की यहाँ पे बेस हो जाती है। ऐसी आपको दो बेस मिलती है और इसको चलाने के लिए हमारे जो है वो जायफर के, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जायफर के जो है वो एम्पलीफायर्स हो जाते हैं, जो कि एक कूलैम 6 है और एक यहाँ पे DS10 आपको मिलता है, डब स्पेटर 10 मिलता है, जो कि टूम्स पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। कूलैम 6 भी जो है वो आप यहाँ पे टूम्स पे चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे और भी टॉप हैं, कुछ और भी लोड चलाना है, तो ये इस हिसाब से मैंने एम्पलीफायर्स भी दिए हैं। और मिक्सर क्रॉसओवर की डिटेल दे चुका हूँ, स्टोन वाटर हम दे रहे हैं। अवेलेबिलिटी के लिए बात करें, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पैकिंग दिखाया कि पैकिंग्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिलती है। तो आप यहाँ पे, ये एड्रेस है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इसलिए डिटेल में वीडियो कोशिश करता हूँ बनाने की। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ सर अच्छी वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।